आज मैं इससे पहले बेलारी मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह जी की 51 फीट मूर्ति का अनावरण करके आया हूं, 51 फीट ऊंची। और भाइयों बहनों, हम लोग यहां पे विदुर कुटी के पुनरुद्धार का काम भी कर रहे हैं। मैं जब भी यहां आता था, अशोक कटारिया जी इस बात को कहते थे, अशोक राणा जी इस बात को कहते थे, सुशांत हमें इस बात को कहते थे, या फिर सुची चौधरी जी इसी बात को कहते थे कि आखिर इनका भी इतने पुराने 5000 वर्षों का लिखित इतिहास जो हमारे पास है, आज हम उसका पुनरुद्धार की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने महात्मा विदुर के नाम पर ही किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहाँ के उद्यमियों को एक नई गति मिली है, एक नया स्थान मिला है, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा मिली है। तमाम योजनाओं से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन की योजना हो, इन सभी योजनाओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो जीवन सुरक्षा बीमा योजना व्यक्ति को 2 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दे रहा है। एक गरीब बीमार हो जाता था, थोड़ा परिवार गरीबी की रेखा में असहाय सा हो जाता था, आज हर गरीब को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर आपने देखा होगा। वह लाभार्थी जब मंच पे आया था, मैं भी आपकी तरह सामने बैठकर इसलिए सुनना चाहता था, उस गरीब की पीड़ा क्या है। वह गरीब जिसके घर में कोई बीमार होता था, पैसा नहीं होता था, कहां जाएगा। और इसलिए सरकार ने कहा नहीं, हम उसके साथ खड़े हैं। और आपने देखा होगा पथरी का ऑपरेशन कार्ड लेके गया, फ्री में हो गया। 5 लाख रुपए हर साल 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा कवर मिलेगी। और इसके लिए 10 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में और 50 करोड़ लोग देश में इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। पहले के लोगों ने क्यों नहीं दिया? पहले की सरकारें गरीब को फूंको मार देती थी, बीमारी से मार देती थी, मकान के बहाव में मार देती थी, कुछ चुनिंदा लोगों को मिलती थी, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी। और कावड़ यात्रा निकालने की कोई बात करता था तो झूठे मुकदमे ला देती थी। आज तो कावड़ यात्रा भी निकल रही है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। भाइयों बहनों, सरकार आपकी आस्था का भी सम्मान कर रही है, सुरक्षा का माहौल भी दे रही है, युवाओं को रोजगार भी दे रही है। पुलिस की भर्ती में आपने देखा होगा, हमने अब तक 1,64,000 भर्ती अकेले पुलिस में की है और कुल 6 लाख सरकारी नौकरी दी है। और मुझे खुशी होती है जब बिजनौर का नौजवान भी पुलिस में भर्ती होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में स्थान प्राप्त करता है, उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी सेवा में स्थान प्राप्त करता है। और बिजनौर, क्योंकि मैं अपने हाथों से सर्टिफिकेट देता हूं, नियुक्ति पत्र देता हूं, और उस समय बुला के पूछता हूं कहां घर है, कहता बिजनौर का, तो मुझे लगता है बिजनौर भी विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। भैया, यही हम लोगों की खुशी है कि जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया था, उस प्रयास में हर नागरिक, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं, हर व्यापारी, समाज का हर तबका जुड़ रहा है। और आज उसी का परिणाम है, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तेजी के साथ बढ़ रही है। आपने पिछले सप्ताह देखा होगा जब हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार में आए थे, उत्तर प्रदेश देश की 6वीं अर्थव्यवस्था, आज हम नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, अगले 3-4 सालों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 की दिशा में आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश का नंबर 1 होने का मतलब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी की उत्तर प्रदेश में गारंटी, उत्तर प्रदेश के हर व्यापारी को समृद्ध होने की गारंटी, उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों को उससे उभारने की गारंटी, बिना भेदभाव के अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना करने की गारंटी। और इसी गारंटी के साथ
मोदी वैन, गारंटी वैन आपके पास आई है विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिनको योजना का लाभ मिला वे मंच से बोलेंगे, जिनको नहीं मिला उनका रजिस्ट्रेशन होगा और पात्रता के अनुसार फिर उनको भी इस योजना के साथ जोड़ करके उन्हें भी लाभान्वित किया जाएगा। इस गारंटी के साथ आज विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके बीच आई है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे आज इस विकसित भारत यात्रा, मैंने कहा आपके साथ समझे भाइयों बहनों, आप तो जानते हैं पहले लोग क्या कहते थे कि बिजनौर जाने का मतलब मुख्यमंत्री के लिए अभिषिक्त था। कोई मुख्यमंत्री कहां आता था यहां बिजनौर में, और नहीं आता था इसके लिए। जब मैं पिछले दिनों बिजनौर में आया था रात्रि को रुका था, लोगों ने कहा सर यहां तो रुकने की कोई व्यवस्था नहीं, आप आइए मीटिंग करके चले जाइए। और मैंने कहा जो रात्रि में लोगों को समस्या होती होगी उसको कौन देखेगा, मैंने कहा रात्रि को वहीं रुकूंगा। कहा यहां तो रुकने कोई व्यवस्था नहीं है, मैंने कहा भाई इतनी बड़ी आबादी वहां रहती है किसी के घर में मैं रह जाऊंगा, कौन बात है इसमें। और भाइयों बहनों रात्रि को मैं रुका था यहां पे, आज मुझे उस समय विकास के कार्यो को आगे बढ़ाने के एक अवसर मिला था, देखने का अवसर मिला था। और जब फिर यह हुआ कि मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कुछ कार्यक्रमों में भाग लेना है, तो मैंने कहा नजीमाबाद जाऊंगा इससे पहले, क्योंकि नजीमाबाद में मैंने बचपन में नजीमाबाद में देखा है। बहुत दिनों तक मैं जब इधर से होके जाता था, कोटद्वार से हरिद्वार जाना हो, देहरादून जाना हो, तो इसी रास्ते से मुझे जाने का अवसर मिलता था। और आज मैं देखता हूं कि यहां की चीनी मिल बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, यहाँ के किसानों के जीवन में परिवर्तन ला रही है, यहाँ के नौजवानों के रोजगार का सृजन हो रहा है, यहाँ के किसानों ने अच्छी मेहनत करके प्रगतिशील किसान यहाँ पर आगे आए हैं, जिन्होंने खेती के नए तौर तरीके अपनाए हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहाँ के हस्तशिल्पियों ने अपने कौशल का परिचय दिया है। और ये व्यापक परिवर्तन बिजनौर को एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर करेगा। और भाइयों बहनों इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण विकसित भारत संकल्प यात्रा को, प्रधानमंत्री जी के विजन को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए आपके पास आएंगे, आपके गांव में जाएंगे। इसे सफल बनाना, सफल बनाने के साथ साथ जो लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं वे अपनी सफल कहानी को बोले, और जिनको नहीं मिला है उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको भी लाभान्वित कराने की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। युवाओं को माई युवा भारत के साथ जुड़ना और उसके माध्यम से युवा ताकत के बल पर भारत को 2027 में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित करने के संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए आज मुझे यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती के अवसर पर एक और आपका अभिनंदन करता हूं, चौधरी साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और बिजनौर जनपद विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए बिजनौर में। ये तस्वीरें हैं बिजनौर की, हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले लाभार्थियों को सर्टिफिकेट दिए, चाबियां घर की सौंपी है उन्होंने, लैपटॉप दिए छात्राओं को। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, उससे जोड़ने का संकल्प यहाँ पर लिया गया है, विकसित भारत का संकल्प किया गया। और पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर के जो सुरक्षा की गारंटी है योगी सरकार के, उसका जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दंगों का जिक्र किया, कांवड़ यात्रा बेहतर तरीके से चल पाती है इसका जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो लाभार्थियों को चेक और चाबियां बांटी है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रण लिया है तमाम लोगों ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल थे। भारत को विकास के पथ पर अग्रसर आगे बढ़ाने का संकल्प यहां पर लिया गया है।